राधे राधे गुरु जी, मेरा नाम गोपाल साहू है, कोलकाता से। अच्छा, यहाँ यहाँ काम करता हूँ। अच्छा ठीक, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फ्रेंड्स बोलता है कि इस उम्र में तुम काम छोड़ के भगवान का नाम करोगे, भगवान की तुमको पूछने वाले नहीं है, ऐसा बोलता है। नहीं, वो शुक्र है उसने ये नहीं कहा भगवान तुम्हें खाने नहीं दे जाएगा। क्या बोलता ऐसा है बोलता भगवान है, तुम्हें? भगवान को पूछने का टाइम है, वो तो बूढ़ा पे आप इसे क्यों करते हो? अच्छा, वो उससे सिर्फ इतना जाके पूछ लेना कि तुम बूढ़े रहो, जब बूढ़े हो गए तब तक जिंदा रहोगे? इस बात को कोई लेटर पैड है कहीं से सिग्नेचर करा के लाए हो कि जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक तुम जाओगे नहीं दुनिया से? और पूछो, बोलता है बाबा माँ के गुरुदेव को नहीं पूछे तो चलेगा, बाबा माँ पिताजी और माता जी को पूछना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं तो सबसे पहले माँ बाप की कहता हूँ, गुरु की हमेशा पूछ। माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। आई हाँ, एग्री। गुरु को नहीं पूछो तो तभी चलेगा, और भगवान को, पिताजी माता जी को पहले पूछना चाहिए, गुरु को भी नहीं, पूछना चाहिए। मैंने बोला गुरु पहले, पिताजी माता जी उसके बाद गुरु, उसके बाद भगवान को पूछना चाहिए। वो बोल रहे हैं पिता, पहले पिताजी माता जी, फिर गुरु को नहीं पूछोगे तो चलेगा। हाँ, उन्होंने उनको कभी विचारों को गुरु का संग मिला नहीं होगा, वो उनको गुरु का महत्व तो पता नहीं होगा। और जिनको गुरु का महत्व तो पता नहीं है वो बेचारे ऐसे ही बोलते हैं, उनको लगता है गुरु पेड़ पे लगते हैं, जब चाहेंगे तब तोड़ लेंगे। और जिनकी किस्मत में नहीं होता उन्हें गुरु कभी मिलते ही नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस उम्र में भगवान का नाम हर टाइम कर सकते हैं? इस उम्र में हम भगवान का नाम हर टाइम कर सकते हैं, एक मिनट काम एक करते मिनट करते भी? सुनो सुनो, तुमको आंसर मैं ऐसे नहीं दूंगा। कौन बच्चा है जो भगवान का नाम का भजन रोज करता है? खड़ी हो तुम, इससे छोटे, बस वहीं, तुम इससे छोटे हो कि बड़े हो? बड़े नहीं, ये वो मन, मैं तो करता हूं, मेरा फ्रेंड्स अरे बोलते। मैं तुमको सिर्फ ये दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल देखो। ये इसका वेशभूषा भी ये बता रहा है कि ये किस पे कथाओं का कितना असर है। ठीक है, जो लोग बैठा लो, जिन लोगों को कुसंग मिला हुआ है, गलत लोगों का संग मिला हुआ है, वो तुम्हारा फ्रेंड्स फिल्म देखने जाता है कि नहीं जाता है? है? जाता है। उनको तुम्हारा पापा ने कहा है तुमको फिल्म देखने के लिए? नहीं, ये फिल्म तुम्हें हीरो बनाने की क्या? नहीं, अन्ना बना देगी अन्ना है? नहीं, फिर क्या मिलेगा हमको? ये फिल्म देखने वाले कहते हैं कि धर्म नहीं करो, भजन मत करो। फिल्म देखने वाले कहते गुरु को मत मानो। फिल्म देखने वाले कहते अरे यहां तुम्हारी उम्र नहीं। ये सब नौटंकी खोर हैं, ये ड्रामेबाज हैं। ये चाहते हैं कि जैसे उनकी जिंदगी बस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, वैसे तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं हर युवा से यही कहना चाहूंगा, तुम डिसाइड करो, तुम कंपेरिजन करो कि आखिर फिल्म अच्छी है कि गीत अच्छी है, आखिर वो फिल्म के हीरो हीरोइन अच्छे हैं या तुम्हारे गुरु संत महात्मा अच्छे हैं। आखिर तुम्हें ये डिसीजन करना ही होगा। क्यों तुम किसी की बात मानते हो? तुम्हारी बुद्धि, यू यूज योर माइंड। वो बोलते हैं मैं तो सुनता नहीं हूँ, मैं तो फिर भी भगवान के नाम करता हूँ, तो उसके बाद सुनते नहीं। मैं बोला इस बात मैं गुरु जी को पूछूंगा। नहीं नहीं बोल के आप मानते हो, अच्छी बात है, वो नहीं मानता उसके भाग्य है। हाँ। लेकिन मैं आप हर एक युवा से एक ही बात कहूंगा, गलत लोगों का संग छोड़ो। जो लोग भगवान को नहीं मानते आप उनको मानना बंद कर दो, आप उनके साथ बैठना बंद कर दो। और फ्रेंड सर्कल में इसलिए देखिए, कोई रिश्ता होता है उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो सर्कल है फ्रेंड सर्कल उसे छोड़ना बहुत आसान है। मैं चाहूं बैठूं, मैं चाहूं ना बैठूं, तो ऐसे लोगों के संग मत बैठो जो गलत थिंकिंग देते हैं। अच्छी थिंकिंग जो देते हैं, अच्छी विचारधारा जो देते हैं, उनके साथ जरूर बैठो। ठीक है, उनकी भगवान बातों का की नाम हर टाइम काम करते करते भी कर सकते हैं, नाम जप सकते, जपते रहो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो राधे, खड़े हो।